गुड आफ्टरनून एवरी वन सो आज हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 पॉइंट थ्री फ्रॉम योर चैप्टर सिमिलैरिटी सो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस प्रैक्टिस सेट इन द एजोनिंग फिगर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू सेवेंटी फाइव डिग्री एंगल ई डी सी इज इक्वल टू सेवेंटी फाइव डिग्री दोनों एंगल की मेजर सेम ही है स्टेट विच टू ट्रा आर सिमिलर एंड बाई विच टेस्ट दो ट्रा हमें यहाँ पे सिमिलर दिखाने हैं ऑल्सो राइट द सिमिलैरिटी ऑफ दिस टू ट्राएंगल्स बायपर वन टू वन कॉरस्पॉन्ड्स सिमिलैरिटी के लिए वन टू वन कॉरेस्पॉन्ड लिखना है ओके सो फॉर दिस क्वेश्चन देखिए साइड में फिगर गिवन है ट्राएंगल ए बी सी एन उसी में सेकेंड ट्राएंगल है ई डी सी दोनों ट्राइंगल्स के लिए एक एंगल एंगल की मेजर गिवन है सेवेंटी फाइव डिग्री सो लेट से सोल्यूशन कर लेते हैं सोलूशन में देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ई डी सी एक एंगल ऑलरेडी मेजर गिवन है दोनों की सेवनटी फाइव इट मीन्स ये कॉन्ग्रंट है एंगल ए बी सी इज कॉन्गरन टू एंगल ई डी सी मेजर ऑफ ईच एंगल इज सेवेंटी फाइव डिग्री गिवन है देन सेकेंड वन एंगल के लिए वर्टेक्स सी देखिए दोनों ट्रैंगल के लिए कॉमन है वो अगर सी कॉमन है इट मीन्स कॉन्ग्रंट है सो so, हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए सी बी इज कॉन्गरन टू एंगल ई सी डी रीजन कॉमन वर्टेक्स या बोल सकते हो आप कॉमन एंगल देखिए सफिशेंट कंडीशन तो हो चुकी है अगर दो एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से कॉन्ग्रेंट है तो ऑब्वियसली ये जो दो ट्राइंगल्स है ए बी सी एंड ए डी सी आर सिमिलर बाय विच टेस्ट एस ए ए टेस्ट करेक्ट ना सो हम यहाँ यहाँ पर लिखेंगे बाय ए ए टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी दिस टू ट्राइंगल्स ट्राइंगल ए बी सी इज सिमलर टू ट्रैंगल ई डी सी और यही हमारा टारगेट था और साथ में हमें क्या लिखना है यहाँ पर वन टू वन कॉरेस्पॉन्ड लिखना है सो ए बी सी इज सिमिलर टू ए डी सी तो यही कॉरेस्पॉन्ड है क्या लिखेंगे ए बी सी कॉरेस्पॉन्ड टू ई डी सी इन दिस वे ओके और आपका फर्स्ट वन क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया देखिए प्रैक्टिस सेट जो है ये वन पॉइंट थ्री बेस्ड ऑन टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी और लास्ट वे में हमने टेस्ट देखी है ऑल टेस्ट ठीक so, है ना सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड आर द ट्राइंगल्स इन एडजिंग फिगर सिमिलर क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन में ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है क्या इफ यस देन बाय विच टेस्ट कौन से टेस्ट से दोनों सिमिलर है ये हमें यहाँ पे बताने लास्ट क्वेश्चन में एंगल्स गिवन थे हमें एंगल की मेजर गिवन थी यहाँ पे लेंथ ऑफ साइड्स गिवन है तो ऑब्वियसली हमें यहां पे रेशो ऑफ साइड्स चेक करना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग साइड्स के लिए अगर रेशो सेम आ जाता है तो ऑब्वियसली ये जो दो ट्राइंगल्स है सिमिलर रहेंगे बाय यस यस टेस्ट क्योंकि तीनों साइड की लेंथ हमें यहां पे गिवन है सो लेट्स सी सॉल्यूशन कर लेते सॉल्यूशन में देखिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड यम यमय देखिए पहले जो साइड की लेंथ है वो देख लीजिए पी क्यू हमें सिक्स गिवन है यल यम थ्री गिवन है क्यू आर एट इट मीन्स यूनिट नहीं है तो यूनिट ही बोलेंगे एट यूनिट्स है यमय एन फोर यूनिट्स पी आर एट पी आर टेन यूनिट्स एंड यल एन फाइव यूनिट्स ओके सो हम यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो यहाँ पे लेते हैं देन चेक कर लेंगे अगर ऑल रेशो सेम आ रहे हैं तो ऑबियसली ऑल दिस थ्री साइड्स आर इन प्रोपोर्शन ओके सो फर्स्ट रेशो है पी क्यू बाय पी क्यू बाई एल एम देखिए पी क्यू की लेंथ है सिक्स यूनिट एंड यल एम की लेंथ है थ्री यूनिट सो दोनों यहाँ पर रेशो बनेगा सिक्स बाय थ्री मतलब थ्री टूज आर सिक्स तो क्या मिलेगा टू मिलेगा बट रेशो लिखना है तो टू की जगह हम लिखेंगे टू बाय वन चलेगा नहीं तो आप टू भी लिखा तो भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं ठीक है ना सो so, इसी को बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट देन देकेंड वन के लिए रेशियो देखिए क्यू आर बाय एन सो so, क्यू आर हमें एट यूनिट एंड यम एन गिवन है फोर यूनिट सो दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें मिलेगा एट बाय फोर सो देखिए फोर वन जार फोर फोर टू जर एट मीन्स कितना मिल रहा है टू मिल रहा है so, सो उसको लिखेंगे टू बाय वन और इसको बोलेंगे इक्वेशन सेकेंड सिमिलरली फॉर थर्ड करस्पॉन्डिंग साइड्स देखिए पी आर और यल एन इट मीन्स पी आर बाय यल एन सो so, इनके लिए रेशियो देखिए पी आर है टेन यूनिट यल एन फाइव यूनिट सो टेन बाय फाइव फाइव टू जार टेन सो कितना मिलेगा टू बाय वन इसको बोलेंगे इक्वेशन थर्ड अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड से हर एक की वैल्यू टू बाय वन टू बाय वन टू बाय वन मिल रही है सो so, हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड अगर तीनों रेशो की राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम है सो so, हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी क्यू बाय इज इक्वल टू क्यू आर बाय एन इज इक्वल टू पी आर बाय करेक्ट ना देखिए रेशियोज ऑफ ऑल करस्पोंडिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन इट मीन्स दिस टू ट्रैंगल आर सिमिलर बाय टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी करेक्ट ना सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय बायस टेस्ट दिस टू ट्राइंगल्स ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल यल यम अगर आपको यहाँ पे करस्पॉन्ड बोला होता तो आपने करस्पॉन्ड कैसे लिखना है पी क्यू आर स्पॉन्ड टू यम या इन दिस वे सेकेंड वन क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो गया देन थर्ड वन क्वेश्चन देखिये थर्ड वन क्वेश्चन थोड़ा अलग है यहाँ पे सिमिलैरिटी दिखानी नहीं है विद द हेल्प ऑफ सिमिलैरिटी आपको लेंथ ऑफ साइड फाइंड आउट करनी है बीसी फाइंड आउट करनी है सो लेट्स पहले स्टेटमेंट रेड करते हैं एज शो इन द एडिंग फिगर

उसकी लेंथ कितनी है सिक्स मीटर देन हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ बिगर पोल एट द सेम टाइम तो हमें यहां पे क्या फाइंड आउट करना है ये जो ए सी पोल है, बड़ा वाला पोल उसकी जो शैडो है बी सी इट मीनस एक्स यहां पे गिवन है फिगर में सो so, ये जो एक्स है वो फाइंड आउट करना है एट द सेम टाइम देखिये दोनों परपेंडिकुलर है दोनों पोल्स परपेंडिकुलर है और दोनों की शैडो सेम टाइम पे सेम प्रोपोर्शन में होगी करेक्ट ना ऑब्वियसली होनी चाहिए सेम टाइम पे अलग अलग थोड़ी शैडो बनेगी सेम प्रोपोर्शन में बनेगी क्योंकि दोनों पोल्स परपेंडिकुलर टू ग्राउंड है करेक्ट ना सो लेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं एक्स के लिए सो सोल्यूशन सोल्यूशन में देखिए ये जो दो ट्राइंगल्स हैं दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है क्यू क्योंकि ये जो वर्टिकल पोल है एंड देर सैडो है ना इसके वजह से ये दोनों सिमिलर बन चुके हैं दोनों की सेम प्रोपोर्शन में रहेगी दोनों की हाइट सेम प्रोपोर्शन में है करेक्ट और दोनों परपेंडिकुलर टू तो ग्राउंड है तो ये जो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर क्यू से देखिए ए सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर क्यू लिखेंगे ओके लिख दू मैं यहाँ पे रीजन अगर लिखना है तो आपको रीजन क्या लिखना पड़ेगा वर्टिकल पोल एंड देर सैड ओ फॉर्म सिमिलर फिगर्स ओके सिमिलर ट्राइंगल्स एक्चुअली वहां पर उन्होंने सैड ओ पोल बोला है बट गिवन एम ए ऑलरेडी फिगर्स कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है ना देन हमें एक्स फाइंड आउट करना है सो हम यहाँ पे कर सकते एक्स फाइंड कैसे करस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन सेम प्रोपोर्शन करेक्ट ना करस्पोंडिंग साइड जो होती है सेम प्रोपोर्शन में रहेंगी क्योंकि गिवन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर सो हम यहाँ पे लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स सो करस्पॉन्डिंग साइड्स देखिए हमें एक्स फाइंड आउट करना है तो x के लिए सी बी और ये जो उसकी करस्पोंडिंग साइड मिलेगा आपको आर क्यू या क्यू आर ठीक है ना सो so, मैं यहाँ पे रेशो लिख रहा हूँ प्रोपोर्शन लिखता हूँ सी बी डिवाइड या बाय आर क्यू इज इक्वल टू हमें मिलेगा सेम प्रोपोर्शन है तो इज इक्वल टू मिलेगा सेकेंड वन रेशो ए सी बाय पी आर ओके इन दिस में यही क्यों लिखना है ए बी एंड पी क्यू क्यों नहीं लिखना क्योंकि वो गिवन नहीं है हमें जो लेंथ गिवन है वही तो लिखना पड़ेगा करेक्ट ना पी क्यू एंड ए वी लिखने से कोई मतलब नहीं है लिखना है तो भी लिखिए बट इतना ही सफिशियंट है क्योंकि तीनों करस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में होती है ठीक है हमें एक्स फाइंड आउट करना है तो इतनी वैल्यू सफिशेंट है इतना ही रेशो सफिशेंट है सो देखिए सी बी हमें एक्स है और वही हमें फाइंड आउट करना है आर क्यू सिक्स मीटर की वन है ए सी एट मीटर है पी आर फोर मीटर है ऑल वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेते हैं तो सी बी बाय आर क्यू मिलेगा हमें एक्स बाय एक्स बाय सिक्स इज इक्ल टू ए सी बाय पी आर सो ए सी देखिए एट बाय फोर मिलेगा इन दिस वे अब देखिए ये जो सिक्स है डिनोमिनेटर में एक्स के उसको अगर मैं राइट साइड स्विफ्ट कर दूँ तो मल्टीप्लाई चला जाएगा सो एक्स इज इक्ल टू हमें मिलेगा एट मल्टीप्लाई विथ सिक्स करेक्ट ना सिक्स जो है एट के साथ न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा सो so, हमें मिलेगा एट मल्टीप्लाई विथ सिक्स डिवाइड फोर सो so, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है टू वन जार टू 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 जार फोर नॉट टू फोर फोर वन जार फोर फोर टू जार एट करेक्ट ना सो फोर टू जार एट हो चुका है सो टू इंटू सिक्स टू इंटू सिक्स ट्वेल्व हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व मीटर और यही हमें फाइंड आउट करना था एक्स क्या है बीसी बी सी मीन्स सैडो ऑफ ग्रेटर पोल या बिगर पोल ठीक है सो लास्ट में लिखेंगे सैडो ऑफ बिगर पोल विल बी ट्वेल्व मीटर्स लॉन्ग एट दैट सेम टाइम ओके यही फाइंड आउट करना था इन दिस वे आपका क्वेश्चन नंबर थ्री यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है सो लेट सी क्वेश्चन नंबर फोर सो ये जो क्वेश्चन है आपने ट्राई करना है ठीक है रुकते यहाँ पे थैंक यू